8 नवंबर 2000 को एक मध्यवर्गीय किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन से ही क्रिकेट की तरफ रुझान था। पिता खुद एक शूट बॉल प्लेयर थे। उनके पास 100 से ज़्यादा मेडल थे, पर वो अपना करियर नहीं बना पाए। वो उम्मीद उनको अपने बेटे में दिखी। इन्होंने 9वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी और संपूर्ण फोकस गेम पर रखना शुरू किया। इनके घर के आसपास क्रिकेट अकेडमी नहीं थी, इसलिए इनको प्रैक्टिस के लिए 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। रिक्शा और 2 बस बदल कर ही अपना सफ़र तय किया करते थे। सुबह 6 से शाम के 8 बजे तक प्रैक्टिस किया करते थे। ये 9वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ने और स्पोर्ट्स पर फोकस करने की वजह से इनके रिश्तेदारों और गाँव वालों ने इनके घर वालों को खूब ताने दिए, पर इनके पिता को लोगों की बातों से ज़्यादा अपने बेटे पर विश्वास था। जल्दी इनका अंडर 14 अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस की, जिस वजह से साल 2017 में रणजी डेब्यू किया, लेकिन वो मैच में चोटिल होने की वजह से इनको बाहर होना पड़ा और इंजरी इतनी बड़ी थी कि इनको सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इनको अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ी और इलाज करवाया। उसके बाद अगले साल इन्होंने अपना IPL डेब्यू किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यंगस्टर कार्तिक त्यागी की।